हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। मेरे चैनल किचन विद श्रद्धा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने एक बार बना लिया तो आप हर बार हर त्यौहार पर इसी मिठाई को बनाकर खाएंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने ना तो मावा का यूज किया है, ना ही घी का यूज किया है, और इस मिठाई को मैंने बिना गैस जलाए ही बनाया है। आप भी अगर इस तरह से ये टेस्टी सी मिठाई बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आपका जब भी मीठा खाने का मन करे और घर में कुछ भी मीठा नहीं है तो आप इस तरह से इस मिठाई को 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी और आगे आप किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो नारियल को छील कर घर में मिक्सी में नारियल को पीस कर इसका बुरादा बना सकते हैं। साथ में मैंने 3 से 4 चम्मच पिसी हुई चीनी ले ली है। इसे मैंने घर पर ही पीस कर ले लिया है। चीनी को मैंने मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लिया था। आप चाहें तो इसकी जगह पर बूरा का भी यूज कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी को भी नारियल पाउडर में डाल दिया है। साथ में मैंने मिल्क पाउडर लिया है। जिस कटोरी से मैंने नारियल का बुरादा लिया था उसी कटोरी से नाप कर मैंने 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है। और इसमें अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैंने पिसी हुई इलायची पाउडर भी इसमें डाल दी है। अब सारी चीज़ों को हम हाथों की सहायता से मिक्स करते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है जिससे कि चीनी और नारियल मिल्क पाउडर सारा मिक्स हो जाए। देखिए मैंने किस तरह से हाथों से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। उसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ ठंडा दूध ले लिया है। मैं इसमें 2-3 चम्मच दूध डालूँगी। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि इसमें पिसी हुई चीनी है और मिल्क पाउडर भी पड़ा है। अगर हम दूध एक साथ डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा और मिठाई हमारी अच्छी नहीं बनेगी। वैसे अगर गलती से आपसे दूध ज़्यादा पड़ भी जाए तो आप इसको ठीक करने के लिए इसमें नारियल का बुरादा और मिक्स कर दीजिए। आपका डो अच्छा बन जाएगा। हमें इसका टाइट डो बनाना है। देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी और एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लूँगी। हमें हाथों से मसलते हुए इसका टाइट डो बना लेना है। देखिए इसके लड्डू से बनने लगे हैं। अभी इसमें हमें दूध थोड़ा कम लग रहा है। हम 1 चम्मच इसमें दूध और डालेंगे और इसे मसलते हुए इसका आटा तैयार कर लेंगे। जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं हमें उसी तरह से इसका मसलते हुए टाइट आटा लगा लेना है। अभी इसमें हमें दूध थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच दूध और डाल दिया है और इसे मसलते हुए इसका टाइट डो लगा लेना है। देखिए मेरा डो लगकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे क्योंकि मैं इसमें फूड कलर मिलाऊंगी। मैंने एक हिस्से को थोड़ा कम तोड़ा है और एक हिस्से को थोड़ा ज़्यादा रखा है। इसे मैं निकाल के दूसरी प्लेट में रख दूँगी और मैं इसमें ग्रीन फूड कलर डालूँगी। मेरे पास ये सूखा वाला फूड कलर है। मैंने 1 चुटकी फूड कलर डाल दिया है और इसे हाथों से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको जिस भी कलर का फूड कलर पसंद है आप वो डालिएगा। मेरे पास ग्रीन कलर था इसलिए मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है। फूड कलर डालने से हमारी मिठाई देखने में बहुत सुंदर लगेगी। देखिए मैंने सारे फूड कलर को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें कितना घी छूट रहा है। मैंने इसमें बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया है। फूड कलर हमारा अच्छे से डो में मिक्स हो चुका है। अब हम एक सिल्वर रोल लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक सीट ले सकते हैं और उस पर हाथों से मसलते हुए इसका लंबा सा रोल बना लेना है।
रोल को बनाने के लिए हमें हाथों से इसे मसलते हुए बेलन की तरह चलाते हुए इसका लंबा सा रोल बना लेना है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। मैंने इसे लंबा गोल रोल बनाया था लेकिन इसमें थोड़े क्रैक पड़ रहे थे, इसलिए मैंने इसे ट्रायंगल शेप में बना दिया है। अब हम वाइट वाला भाग लेंगे और इसे हाथों से उसी सिल्वर रोल पर फैलाते हुए पतली रोटी सी बना लेनी है। देखिए मैं इस तरह से हाथों से कर रही हूँ तो इसमें क्रैक आ रहे हैं। इस रोटी पर क्रैक ना आए इसके लिए मैं दूसरा सिल्वर रोल की सीट लूँगी और ऊपर से रखते हुए बेलन की सहायता से बेलते हुए इसे पतला कर लूँगी। इस तरह से मैं इसकी रोटी बनाऊँगी तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। मैंने इस सीट पर पहले भी एक मिठाई बनाई थी तो उसी का चांदी का वर्क इस पर लगा हुआ था, वो देखिए हमारी इस रोटी पर लग चुका है। मैंने इसकी रोटी अच्छे से बना ली है। अब हमने जो ग्रीन वाला रोल बनाया था वो इसके ऊपर रखेंगे। मैंने इसे ट्रायंगल शेप में दे दी है। अब इसके ऊपर रोल को रखते हुए घुमाते हुए वाइट वाले भाग को भी ट्रायंगल शेप दे देनी है। अगर आपको गोल शेप पसंद है तो आप गोल शेप बनाइएगा, चौकोर शेप पसंद है तो आप चौकोर शेप बनाइएगा। आपको जैसा पसंद है उस तरह से आप इस मिठाई को बना सकते हैं। अब मैं इसे हाथों से दबाते हुए ट्रायंगल शेप दे दूंगी। देखिए मैंने रोल को ट्रायंगल शेप दे दी है। अब इसे और अच्छा लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी। मिठाई के इस रोल में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, हमें एकदम टाइटली इसका रोल बना लेना है। अब इसे अच्छा लुक देने के लिए मैं इस पर सिल्वर वर्क लगाऊंगी। ये देखिए मैंने किस तरह से इस पर सिल्वर वर्क लगाया है। इस तरह से लगाने से ये बहुत आसानी से लग जाता है और देखने में हमारी मिठाई एकदम मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होती है। मैंने इस पर चांदी का वर्क भी लगा दिया है और उसी सीट में लपेटते हुए मैं इसे टाइटली बंद कर दूँ। आप अगर इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं तो ये 10 मिनट में आराम से सेट हो जाएगी मिठाई, और रूम टेम्परेचर पर सेट होने में इसमें आधा घंटा लग जाता है। मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के छोड़ दिया था। मिठाई हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमें इसके पीस काट लेने हैं। हमें आधा इंच चौड़े इसके पीस काटने हैं। आपको अगर ज़्यादा चौड़े पीस काटने हैं तो आप उस हिसाब से काट लीजिएगा। ये चाकू से बहुत आसानी से कट कर तैयार हो जाते हैं। देखिए मेरे मिठाई के पीस कितनी आसानी से कट कर निकल कर आ रहे हैं और ये बहुत आसानी से कट रहे हैं। हमें इसी तरह से सारी मिठाई के टुकड़े काट कर रख लेने हैं। ये बहुत आसानी से कट कर निकल आते हैं और काटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। देखने में हमारी ये कलरफुल मिठाई बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रही है। आप जिसे भी खिलाएंगे कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे बिना गैस जलाए घर में बनाया है। देखिए हमारी कितनी टेस्टी कलरफुल मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। कोई भी त्यौहार हो या जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से इस मिठाई को बना सकते हैं। इस मिठाई को देखने के बाद कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बिना गैस जलाए घर में बनाया है। ये देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।